जिन घरों में नौकरी नहीं, उन घरों में नौकरी दो। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर पर नाम लिखाए वो कश्मीर हमारा है। वही वाट, 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 जिन घरों में नौकरी नहीं उन घरों में नौकरी दो, जिन घरों में नौकरी नहीं उन घरों में नौकरी दो। वही वाट, जस्टिस, वही वाट, जस्टिस, वही वाट, जस्टिस। जी सर, क्या कहना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी हम पिछले 326 दिन से एहतजाज पर है, धरने पर है। सरकार से हमारी मांग है जो माइग्रेंट रिलीफ होल्डरों का रिलीफ है उसको बढ़ाया जाए, वो नाकाफी है। पिछले 326 दिन से हम ये मांग करते हैं, लेकिन सरकार की आंखें आज तक खुली नहीं है। हम सरकार से फिर एक बार बताना चाहते हैं कि उन घरों में एक नौकरी दी जाए, जिन घरों में आज तक सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी है। हम पिछले 32 साल से एग्जाइल में हैं, जिलाई वतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आखिर हमारा क्या कसूर है? सरकार सुने, सरकार जनता की माँ बाप होती है, लेकिन इस सरकार से लगता है ये सरकार हमारी दुश्मन है। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं, जनता दुश्मन नहीं होती है, सरकार के हाथों में सब कुछ होता है, आखिर हमारा क्या कसूर है? हमारा रिलीफ बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों में नौकरी दी जाए, एक एक नौकरी पहले दिया जाए। हम कश्मीर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हालात को नॉर्मल कीजिए, नॉर्मलसी लाए और पहले स्टेज पर हमारे लिए टाउनशिप वहाँ पर बनाए जाए, बाद में हम खुद अपने घरों में जाएंगे। यही हमारी मांग है। हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है 32 साल का, वो नुकसान हम मांग रहे हैं। हमारी ज़मीन जायदादों पर नाजायज़ कब्जे किए गए हैं, रिलीजियस प्लेसों पर नाजायज़ कब्जे किए गए हैं, हम वो छुड़वाना चाहते हैं ताकि वो हमें वापस मिले। हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें कश्मीर से निकाला गया है, खदेड़ा गया है मिलिटेंसी की वजह से, उस वक्त की सरकार की कमजोरियों की वजह से, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जय हिंद।